सत्तवीं कहानी यीशु की पकड़वाया जाता है। हर साल यहूदी लोग फसा का त्यौहार मनाते। इस बारे च एक जश्न हा कि कई साल पहले परमेश्वर ने उनके पूर्वजें की मिस्र की गुलामी कोला छुड़ाया हा। लगभग 3 सालों के बाद यीशु ने लोगों विच प्रचार करना ते शिक्षा देना शुरू की। यीशु ने अपने चेलें की सुनाया कि वह उनके कन्ने यरूशलेम फसा के त्यौहार की मनाना चाहता है ते ए भी कि वह उत्थे मारी दिता जाग। यीशु दे चेले च एक यहूदा नाँ का एक माणू हा। यहूदा प्रेरितें दे धन की थैली का मुखिया हा, लेकिन कदे कदे वह उस थैली विचां पैसे कढ़ी लैंदा हा। यीशु ते चेले यरूशलेम च पुजने दे बाद यहूदा यहूदी अगुए दे कोल गया। उसने धन दे बदले च यीशु की उनके हाथ पकड़वाने चिन्ह रख्या। वह जानता हा कि यहूदी अगुए स्वीकार नहीं करते कि यीशु गे मसीहा। वह जानता हा कि वह उसी मारना चाहते है। महाजाजक ते आखने पर यहूदी अगुए ने यीशु की उनके हाथ च पकड़वाने आस्ते यहूदा की 30 चांदी के सिक्के दिते। ये उस तरीके कन्ने होया जियां कि भविष्यवक्ता ने आख्या हा कि इयां गे होग। यहूदा मनिया ते धन लईए गया ठी। वह यीशु की गिरफ्तार करने च उंदी सहायता करने आस्ते कुसे समय की तुपा दा हा। यरूशलेम च यीशु ने अपने चेलें कन्ने फसा दा त्यौहार मनाया। फसा दे भोजन दे थमां यीशु ने रोटी लईए तोड़ी। उसने आख्या इसी लियो ते खाओ, ये मेरा शरीर है जेका आऊं थोड़े आस्ते दिना है, इसी मेरी याद च करियो। इस तरीके कन्ने यीशु ने आख्या कि वह उंदे आस्ते मरियाना, मतलब उंदे आस्ते वह अपने शरीर की बलि चढ़ाई देग। भी यीशु ने एक दाखरस का प्याला लेता ते आख्या इसी पी लियो, ये नवी बाचा का मेरा खून है जेका कि आऊं बहागा ताकि परमेश्वर थोड़े पापें की माफ करे। हर बार इसी पींदे वेले मेरी याद च इसी करियो, जेका आऊं उन करा नाए। उस वेले यीशु ने अपने चेलें की आख्या थोड़े चा एक जन मिकी पकड़वाग। चेले रहान होइए ते पुछने लगे कि कौन एक काम करग। यीशु ने आख्या मिकी पकड़वाने आला माणू ओ है जिकी आऊं ए रुट्टी ग्रा देगा। उस वेले उसने ओ रुट्टी यहूदा की दिती। उस रुट्टी की लेने दे बाद यहूदा च शैतान आईया। यहूदा निकलिए यीशु की गिरफ्तार करने आस्ते यहूदी अगवे की सहायता करने की गया ठी। ए राती दा समा हा। भोजन दे बाद यीशु दे उदे चेले जैतून पहाड़ की चलीए। यीशु ने आख्या तुस सारे अज राती मिकी छुड्डी देगे, ए लिखे दा है मैं गुआलियों की मारगा ते भिड्डां तित्र बितर हो जाणियां। पतरस ने जवाब दिता भावा बाकी सारे लोग तुकी छुड्डी देन, आऊं नहीं छुड़गा। उस वेले यीशु ने पतरस गी आख्या शैतान तुसे सारे गी लेई लेना चाहता है, लेकिन ए पतरस मैं तेरे आसे प्रार्थना कीती है कि तू विश्वास कोला मुड़ी नहीं जा, पी भी अज दी राती मुर्गे दे बांग देने कोला पहले तू 3 वारी मना करगा कि तू मिकी जानदा भी नहीं है। पतरस ने उस वेले यीशु गी आख्या भावा आऊं मरी भी जांग, आऊं कदे भी तेरा इनकार नहीं करगा। बाकी दे सारे चेले ने भी ये आख्या। उस वेले यीशु अपने चेलें दे कन्ने गतसमनी नां दे जगह उपर गया। यीशु ने अपने चेलें गी प्रार्थना करने आस्ते आख्या ताकि शैतान उदी परीक्षा नहीं करे। उस वेले यीशु आपू गे प्रार्थना करने आस्ते चली आ। यीशु ने 3 वारी प्रार्थना कीती, हे मेरे पिता, अगर होई सके ते कृपा करिए ए दुखें दा प्याला पीने आस्ते मिकी नहीं दे, लेकिन अगर लोकें दे पाप माफ करने आस्ते कोई और रस्ता नहीं है ते तेरी गे मर्जी पूरी होए। यीशु बड़ा उदास हा ते उदा परसीना खूने दे तोपे आले लेखे हा। उसी सामर्थ देने आस्ते परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत ही भेजिया। हर वार प्रार्थना करने दे बाद यीशु अपने चेलें दे कोल वापस आया, लेकिन वह सोई दे हे। जिसले यीशु 3 वार आया ते यीशु ने आख्या जागी ओ, मिगी फड़ाने आला इत्थे है। यहूदी अगवे सैनिक ते एक बड़ी भीड़ दे कन्ने यहूदा आया। उन्हें तलवारां ते डांगा लेती दी ही। यहूदा ने यीशु दे कोल आईए उदे कन्ने आख्या हे गुरु नमस्ते, ते उसी चुम्मी लेता। उसने गिरफ्तार करने आले माणुए गी
यहूदी अगुए उपर प्रकट करने आस्ते इन्या कीता हा। उस वेले जिशु ने आख्या, हे यहूदा, के तू एक चुम्मे कन्ने मिकी पकड़ाना है? जिसले ओ सैनिक जिशु गी फड़ा रहे ते पत्रस ने अपनी तलवार कड्डी ते महाजाजक ते एक सेवक दा कन्न बड़ी दिता। जिशु ने आख्या, तलवार गी दूर कर, आऊं अपने पिता कोला बचा करने आस्ते स्वर्गदूतें दी सेना आस्ते बिनती करी सकना है, लेकिन मिकी मेरे पिता दी गल मननी है। उसले जिशु ने उस माणु दे कन्न गी ठीक करी दिता। उस वेले सारे चेले नसीए।